नमस्कार, मैं आप लोगों का कचरा हूँ। हर रोज तुम लोग मुझे टॉयलेट में फ्लश करके गटर में डाल देते हो, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हवा में उड़ने वाले प्लेन में ये सिस्टम कैसे चलती होगी? वेलकम टू क्लिक हाउ, मैं हूँ जेश नाडा और आज हम बात करने वाले हैं वैक्यूम टॉयलेट के बारे में, जो कि एयरप्लेन में यूज होता है। बेसिकली इस टॉयलेट टब की जो वॉल होती है वो नॉन स्टिक टेफ्लॉन मटेरियल की बनी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो कचरा है वो वहाँ पे चिपकता नहीं है। और जैसे ही हम फ्लश बटन प्रेस करते हैं, एक वाल ओपन होता है जो सक्शन क्रिएट करता है। उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कुछ चंद ही सेकेंड्स में वो सारा कचरा एक पाइप के थ्रू एक टैंक में चला जाता है। और बेसिकली ये टैंक हर प्लेन में पीछे के भाग में नीचे के साइड होती है। और जब हम किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं, एक ट्रक आती है, उसे कहते हैं हनी ट्रक। ये हनी ट्रक वो सारा कचरा प्लेन में से उस ट्रक में लोड करता है और फिर वो ट्रक किसी डिस्पोजल एरिया में जाके उसे गटर में रिलीज करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।